From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment in Viksit Bharat. The state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized, that's what's being shown. ओडिशा की झांकी अब आपके सामने, कंदर्पा हस्ती दिव्य हाथी की झलक यहां पर दिखाई देते हुए और यहां का लोकगीत लोक छटा आप देखें। और यहां पर किस तरह से यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है हस्तकला को जो बेचते हैं, तो इसमें ओडिशा के इस पूरी झांकी में हम ओडिशा की जब बात करते हैं अमित, तो हमें जगन्नाथ जी की बात जरूर करनी चाहिए। भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ इस झांकी में दर्शाया गया है। साइड स्टेपिंग फ्रॉम ओडिशा टू छत्तीसगढ़, एक और झांकी ओडिशा की थीम्ड tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and Bastar prevalent in the Bastar division of the state. संसद मुरिया दरबार पर आधारित और ये झांकी जनजातीय समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना की है, परंपराओं की है और मूल्यों को दर्शा रही है। और आप देख रहे हैं मुरिया दरबार की परंपरा 600 से अधिक वर्षों की पुरानी है, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का भाग है। तो आप देख सकते हैं झांकी में पारंपरिक कला और शिल्प वैशिष्ट को प्रदर्शित किया गया है। बेल मेटल से निर्मित नंदी आत्मविश्वास और सांस्कृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। झांकी में स्थित हाथी को टेराकोटा प्रतिमा और इस आदिवासी समुदाय की शक्ति का प्रतीक। और मुरिया दरबार में महिला सशक्तिकरण का भी यहां पर समृद्ध प्रदर्शन किया गया। विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी, विकसित भारत में पधारो हमारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। हमारो रंग रंगीलो राजस्थान, और ये रंग रंगीला राजस्थान इस झांकी में दिखाया गया है, जिसमें राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं घूमर। कठपुतली का नृत्य जो बहुत मशहूर है राजस्थान का, उसे दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरह से लोक परंपरा को दिखाया गया है, लोक संस्कृति का इसमें प्रदर्शन किया गया है राजस्थान की झांकी के अंदर। तो आप देखिए ऊँट के ऊपर महिला बैठी हुई है, तो लोग कहते हैं रेगिस्तान से राजस्थान बना है, लेकिन वहाँ जितना रंग है उस रेगिस्तान के अंदर, वो दुनिया में अलग छटा रखता है, निराली शान रखता है। वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ के जो जेवर हैं महिलाएं पहनती है, वो इतना रंगीला होता है कि दूर से पता लग जाता है कि ये राजस्थान की महिला है।